बात हो जन सरोकारों की, बिजली पानी की किल्लत हो, या फिर सड़क और गंदगी की, कौन किससे कितना जूझा, दिखाएंगे भी बताएंगे भी। रस्ते की है, रिंग लाइट की है, जो गंदा पानी था उसको निकास चले गए, आते हैं और रोड से जयपुर गोल्डन से इधर नहीं आते हैं। क्या कहती है भिवाड़ी की आवाज? आज हम खड़े हैं वार्ड 22 में, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। आज वार्ड 22 के हमारे साथ यहां कुछ माताएं हमारे साथ हैं, जो वार्ड 22 की समस्याएं बताएंगे। यहां पे लोगों में इतना रोष देखा जा रहा है कि कहते हैं कि डेली हमें यहां से निकलने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि प्रशासन और अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे इस वार्ड की ओर। आइए जानते हैं क्या क्या समस्याएँ हैं इस वार्ड में। जैसा कि हम वार्ड 22 में खड़े हैं, आज घर घर जाकर हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। गांव में क्या समस्या है, आइए जानते हैं। माजी, जो आपके वार्ड 22 में अभी फिलहाल क्या क्या समस्या है आपको? समस्या है वार्ड 22 में। सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी आपके सामने? समस्या ये है नाली, मतलब ये हमारे रास्ता में बहुत गंदगी है, रास्ता साफ होना चाहिए। आगे जब कूड़ा थाना आवे है तो नो कह गलियाँ को ऑर्डर नहीं है, कूड़ा कचरा नो इखंड हो रहा है, मतलब हमारे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। ये हमारे साथ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, कुछ माताएं मौजूद हैं, आइए हम ले चलते हैं। कितना रोज देखा जा रहा है उनमें, काफ़ी प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड में भाई? एक तो ये सबसे पहले तो पानी वाली है। अच्छा, फिर है रास्ते की, फिर कूड़ा कचूड़ा पड़ा रहे, रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है, निकला भी नहीं जाता। पानी की क्या समस्या है गांव में? पानी की यह है, वाटर सप्लाई का आगा तो आगा नहीं आया। अच्छा, पानी कैसा आता है यहाँ पे? गंदा आता है साफ आता है? वो परली तरफ से गंदा आता है, उरली तरफ से साफ आता है। किधर से साफ आता है, किधर से? सिमारो माते, हरिजनों माते तो खारा पानी आता है। अच्छा। और जो यो पार्सर ने लगाया है ये मीठा पानी आता है। साल की बात होगी बेटा, तो इस कई सालों में आपने कभी पार्षद को बोला या पार्षद से बड़े अधिकारी को कभी इस बारे में बोला? पार्सल और अधिकारी ने, पार्सल ने पानी कर दिया है मीठा। अच्छा। पार्सल बढ़िया है, पर देख कचड़ा कम उठवा। बड़ी समस्या यो है, रास्ता नहीं है लिखड़न ने, और बारिश होती है जब पानी भी हमारे घर में बढ़ जाता है, और नाली इतनी खराब होती है, कचरा कूड़ा वही बढ़ रहा था, कोई साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आता है। 6 महीना में एक दिन ट्रैक्टर आता है उनका चूहड़ा का। और भाई सुन मेरी बात, हम तो बहुत दुखी हो रहा हूँ, समझ जाए ठीक, और बारिश हो जाए तो कति बाढ़ करने पाँव धरने जगह नहीं, ये निकला नहीं जाता है बाहर से। और ये जो गटर बनवाया है आपने, इनमें कोई वो फायदा नहीं है। तो इस वार्ड में पानी की निकासी नहीं है क्या? पानी की निकास है ही नहीं इसमें।
और सारा गांव को पानी इधर आता है। नाली है कोई बहुत छोटी छोटी नाली, और उसमें नाली में पानी भी ना जाता है। लाइट की कैसी समस्या है यहाँ पे, लाइट की कैसी सुविधा है इस गांव में? लाइट तो खैर सही आती है, लाइट तो आ जाती है, पर ये जो रोड है ना ये बहुत खराब है, खतरनाक है भारत। माजी बात बढ़ना चाहिए। बात करें पानी पीने वाले पानी की, तो वो कैसा आता आपके यहाँ? पीने पानी वाला अब ये पार्सल ने लगाया है साल भर से, हमने जाम लगाया रोड के ऊपर, जब गाड़ी घोड़ा खड़ा हुआ, जब पुलिस भी आई ही, संदीप का फोन करा, संदीप नहीं आया। वो मोटर लगाई है उसने, अब वो मोटर भी खराब हो चुकी है कार से। ये गटर लगाई, इसमें ऐसी ऐसी पाइप लगाई, उसमें कोई जान की सुविधा नहीं है, वो तो बेकार लगाई उसने, बड़ी पाइप नहीं लगाई उसने। पेंशन बंदी, हम विधवा वीरवानी बुढ़ी आदमन, कोई आजकल लड़का किसी का कोई खान पीन देता नहीं, हम की जहाँ 500 रुपये बंदी वह भी नहीं, बंद होगी 2 महीना होगा। तो पार्षद देखने भी नहीं आता? क्या नाम है पार्षदर? और अब हम नगर पाली में जाता है, और नगर पाली में वहाँ हम जवाब करांगा, और आगे तिजारे पहुँचाऊंगा एप्लीकेशन लिख के। कूड़ा कचरा की काम हार में तो क्या ऑर्डर ना है मारियो गाड़ी में, हम कह रहा ना मारी गाड़ी ऑर्डर नहीं हमारी गाड़ी, देखो गाड़ी बहुत घना खतरा है, पन्नी घेर आएंगी, पन्नी वो पानी भर जाता है, हमारा घर में भर जाता है। नंबर तो रास्ता होना चाहिए, दूसरा नंबर पानी चाहिए, तीसरा नंबर भाई लेटरिन को पानी हमें सेवल में देना चाहिए। गलियारा पानी यही समस्या है, जैसे है बताई पहले। कितने टाइम से बनी हुई है समस्या? समस्या मंथ आयोजन से है। कितने टाइम से? 5-6 साल होगी। 5-6 साल से, कई साल होगी जानने से। तो बड़े अधिकारी से बातचीत नहीं किस बारे में? नहीं करी हम कितने बात, तो हरियाणा की और पानी तो भाई अब आ रहे पर गरियाड़ा की तो घनी है समस्या। अच्छा, कितने टाइम से बनी हुई है समस्या? कई साल होगी। बोल रही हमारा गलियारा इतना गंदा हो रहा है, अब कोई हद ना है, जिन निकलो नहीं जाए, अब निरी लेटरिन हो रही, निरो कूड़ो ही कूड़ो, निरो कचरो ही कचरो। 2-3 साल होगी, 2-3 साल से इतना बुरी गंदगी है, पांव धरने जी को है ना। तो कैसे रहते हैं फिर इस गंदगी से? वही पांव धर धर के डूब के जहाँ पांव ऊंचा कर। तो परेशानी होती है तो बड़े अधिकारी से बात करनी चाहिए, बड़े अधिकारी सुनाई ना करे। पेंशन बंद रही है अब तो, 2-3 साल मेरे बेटा मरण लग गई, ना मेरी बहू की बंद रही है, छोटा छोटा बच्चा हैगा, नो कोई किराया फिराया का कोई साधन नहीं है, जिंदगी खराब हो रही है। नहीं मर फार्म भरवा लिया, पार्सल कहीं रोज जमा करवा दिया, हमारे आज तक भी पेंशन नहीं आई है। कितने टाइम से मतलब फार्म कब से भरे गए हैं और कितना टाइम हो गया उन बातों को? होगा 6-7 महीना। अच्छा, तो उसके बाद में कोई मैसेज नहीं आया? कोई नहीं है, खूब पार्सल कंटर जाके कई बार कह ली, उसने बोल दे आ जाएगी, कोई नहीं आएगी। अच्छा, पेंशन से अलावा और क्या समस्या है? समस्या सब चीज की, गरियाला की समस्या है, पानी की समस्या है, कोई वही नहीं गरियाला में कितना निकला भी नहीं जाए, हम बड़ा बोटा कई बार तो रिपोर्ट गिर लिया इस घर गरियाला के माए। नाली के ऊपर जो गंदगी दिख रही है, इसकी सफाई के लिए कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं, कोई किया महीना धो 2 महीना में कोई आ जाता है, जो भी पन्नी बीन को उठा ले जाता है, गारा नहीं उठाता है, ना गारा काटता है पन्नी नाली मास। जैसा कि हम हर घर घर जाकर समस्याएं सुन रहे हैं लोगों की, आज वार्ड 22 में हम खड़े हैं और यहाँ पर हम एक घर के पास में खड़े हैं जहाँ लोगों को समस्याएं हैं पानी बिजली और कूड़ा और सड़क। देखते हैं इस घर में लोगों को क्या समस्या है, आइए जानते हैं। समस्या यहाँ वार्ड 22 में आज हम एक परिवार के साथ बैठे हैं, परिवार की एक माता हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनको क्या समस्या है इस वार्ड में, सबसे बड़ी समस्या। जी माँ जी भैया, समस्या हमें यह है कि 1 महीने से मेरे पैर में चोट आ रही है,
मतलब इस रास्ते की वजह से चोट आ रही, नहीं हमारे कोई रास्ते बनवाता है, नहीं हमारी कोई नाली बनवाता है। तो हम सबसे मोटी समस्या है ये सोचो कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या हाल है। बारिश हो जाती है तो हमारे बच्चे 5-5, 6-6 दिन स्कूल नहीं जाते, क्यों? रास्ता खराब हो जाता है। तो आने वाले भविष्य में बच्चे का क्या हाल होगा? हम तो अपने जैसे तैसे निभा जाएंगे, बच्चों का क्या हाल होगा? तो हम इतने परेशान हैं, जब वोट पड़ते हैं, जब हमको कोई पूछता है, हमारी कोई नहीं सुनता है, तो हम किसके पास जाएं, क्या करें हम? तो ये जो आपका पैर टूटा है ये कैसे टूटा? ये टूटा है मतलब ये जो रास्ता है ये खराब है। अब ये बताओ, हमें बाहर भीतर भी जाना पड़ता है, हमारे ऊपर आदमी नहीं है, तो हम अपनी सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो हम बाहर भीतर जाते, अंधेरा है, उजाला है, कुछ भी है, मेरा पैर गड़े की वजह से मतलब ये आज मैं 1 महीना हो गया, 1 महीने इसमें घर में बैठी हूँ। ये बताओ, अब बच्चों के पापा नहीं है, अगर हमें इसकी गलत ये जो है पार्षद है कोई भी है, इनकी वजह से आज मैं खाट में बैठी हूँ। बाढ़ की जो समस्या है ये, हाँ, पानी की और गंदगी की, जो आप कह रहे फिसल के आप गिर के पड़ भी गए थे और जिससे आपका पैर भी टूट गया, जी सर, तो ये कितने टाइम से समस्या है? ये समस्या काफी दिनों से हम ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, मतलब करो करो, हाँ करेंगे करेंगे, हाँ हाँ करते हैं, पर कोई सुविधा नहीं मिल रही हमको। हमको यही परेशानी है, हमारी नाली कटे, हमारा रास्ता हो मतलब नहीं, कोई पानी का रास्ता है, कहीं जाता है किधर जाता है, हमें मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो आपने अधिकारी से बात की इस बारे में? अधिकारी से किससे करें, हमें अधिकारी कोई मिलता ही नहीं है, खुद नहीं दिखता जब वोट मांगने आते हैं, जब हमारे पास आते हैं। तो हमने जब ये ऐसे गांव वालों से जैसे बात करने, सर्वे करने पर हमें पता लगा कि पानी के लिए भी आपने एक बार रोड जाम किया था। बिल्कुल किया था। तो आपके गांव में पानी आया? हाँ जी, हम पानी से इतने परेशान थे तो हम कोई नहीं सुनी, हमें जाम लगाया तो हमारे दया सरपंच को सुनी जब हमारे पास ये पानी आया। तो क्या लगता है कि अब गंदगी के लिए भी ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा? बात ऐसा है, अब हम आराम, देखो आप ले जा रहे हो कहो, अगर आप नहीं सुनता है तो हम कहीं तक भी जाएंगे। भाव ये पड़ता है, अकेले लगा लो, गंदगी होगी, बारिश होगी तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। अब ये बताओ, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य का क्या बनेगा? हमारी नाली नहीं बनी, हमारा ये नहीं बना तो काम क्या होगा? लगा लो लेडीजों का तो यही काम है, पानी का है, घर का, रास्ता, नाली, हमारा यही नहीं होगा तो छोटा सा काम नहीं हो रहा तो मतलब बड़ा क्या करेगा वो? तो देखा आपने, इस परिवार में गंदगी को लेकर कितना रोष है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते गंदगी की वजह से, माँ जी का पैर टूटा केवल गंदगी की वजह से, प्रशासन की लापरवाही इतनी हो चुकी है कि गांव में पैर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। आइए रुक करते हैं अगले घर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है वार्ड 22 में। वार्ड 22 में इस परिवार में हमारे साथ एक माँ जी है और जानते हैं इस वार्ड की क्या समस्या है उनको। जी माँ जी, इस वार्ड 22 में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी क्या है भैया, नाली गंदगी गंदगी, ये वो ना नाली छाट दे तो उठावे नहीं और ना हमारी पिल्सन बंधवा रहा। अच्छा, नाली का जो कूड़ा है आप छाट देते हैं ना कभी तो उठाते नहीं, अब छोटा छोटा बच्चा मार बता कहानी ना रास्ता में निकल गया, कूड़ा नहीं उठाते, कूड़ा नहीं उठाए, छटवा दे तो उठवा में ना, तो साफ करने के महीना 2 महीना मावे कभी उठावे ना, फिर छाट दे तो उठावे ना, कहां तो कोई सुनाई ना करे। अच्छा, शिविर की कैसी समस्या है? शिविर कैसी है, ऐसी है शिविर की टक मारता है। लाइट की कैसी समस्या है? लाइट उइट कहीं कहां है, गाड़ी में खंभा है ना, एक गाड़ी में खंभा ना है। पानी की बात करें तो पानी वो जब जाम लगा है तो पानी तो होगा। अच्छा, तो अभी फिर गंदगी के लिए और रोड के लिए क्या जाम लगाएंगे? जब नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। बिजली, पानी, गंदगी, आपके घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम, थाने आपकी समस्याएं। खास प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज।
आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1 तो ये रास्ता जो सारा फुटा पड़ा है, ये ना बन रहा है, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ ये कि इधर सीवर लाइन हर जगह दबी है, इधर की साइड में नहीं दबी, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं दबी कहीं भी। कितने टाइम से समस्या है ये? तो काफी दिनों से समस्या है, आज से कई महीने कई सालों से चली आ रही समस्या। यहाँ कोई सुनने वाला ना, कोई देखने वाला ना, कोई कहने वाला, यहाँ कोई ना है कोई। अच्छा, जैसे सर्वे के दौरान हमें पता चला कि बारिश के दौरान यहाँ पे इतनी गंदी जगह हो जाती है कि निकलना बहुत मुश्किल दुष्कर हो जाता है, यहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, निकल नहीं सकते। उससे बच्चों पढ़ने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो सारा प्रभाव पड़ता है, जहाँ गंदगी हो जाती है तो वहाँ तो प्रभाव, तो प्रदूषण तो खराब होता ही, प्रभाव तो पड़ता ही। वहाँ बच्चे आने जाने में परेशान होते हैं, स्कूल में हर तरह दिक्कत। जैसे कि भिवाड़ी में अभी नगर पालिका को नगर परिषद बना दिया गया है, वहाँ पे DP जाटव जी हैं अधिकारी, उनसे कभी बारे में बात की? नहीं, उनसे हमने हम तो कभी नहीं मिले वहाँ से, वहाँ जाके तो क्या लगता है कि तो गंदगी से जो परेशान होते हो तो मिलना चाहिए? गंदगी से परेशान, अब ये वार्ड जो पार्षद बना रखे हैं वो जाके वहाँ कर सकते हैं, बाकी इनसे भी कहें तो उनका क्या कहना है पार्षद का? अब पार्षद से कहते हैं तो वो कह देते हैं हाँ ठीक है करवाएंगे, बस ये हो जाता है और क्या है उसमें। ते सरपंच बनते हैं, मेंबर बनते हैं, पहला काम तो उनका है, फिर कहते हैं नगर पालिका में आ गए। नगर पालिका में आने के बावजूद भी कोई रोड नहीं, बड़े बूढ़े गिरे हैं, बच्चे गिरे हैं, स्कूल के वहाँ पानी भरा रहे हुए, और जो सीवर लगाएं वो भी जरा जरा से लगाएं, इतनी बड़ी नंगरी है तो इसमें से ये सीवर तो कामयाब नहीं है, ये तो कल को फिर क्या होएगा? वो कामयाब है नहीं है कामयाब लगा रहा है। अब हमने इतनी समस्या है, ये बहुत जो इसके ऊपर है अब भाई नगर पालिका में है, उन्हें खुद आके सोचना चाहिए, खुद देखना चाहिए, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है अभी तक, तो बड़े बूढ़े जो है अनपढ़ बेचारे, अब बच्चे हैं, बच्चे है जवान है, कूद के निकल जा, जो समस्या रहे बड़े बूढ़े की रह जाए, सरपंच वोट ले जब तो कान पकड़ जावे, अब हम भी करेंगा हम भी करेंगे, फिर कोई करे बात कहाँ, जब नुक जाओ आगे कहाँ चले जाओ। सीवर लाइन बेच दे भाई, जैसे पानी की पाइप, हाँ इतने छोटी छोटी बिल्कुल छोटे छोटे, उनमें सीवर का पानी नावड़ेगा नहीं, नालियों में नहीं नावड़ता पाइप में, तो जब थोड़ी सी ऐसी लगाइए। इसमें क्या हुआ था, ये गांव बीच में ये मुसलमानों की कब्रिस्तान है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे चाहे बीमार हों कुछ भी हों, फिर हमारी सोच ऐसी है औरतों की कि भाई बीमार होगा भाई भूत लिपट गए, तो ऐसा है ना, उन्हें भी कुछ बाहर जगह दी जाए, रास्ते की सुविधा करी जाए, स्कूल की सुविधा करी जाए, गांव के बीच में रखे हैं बीमारक, उसको भी एक साइड बाहर निकालना चाहिए, अभी दो घर हैं, अभी दो हमारे घर की तरफ, मेरा घर थोड़ी दूर है चौपाड़ के पास है, आज से 9-10 साल पहले वोट पड़ी जब ये मूर्ति बनी है, उस टाइम में पाइप जो सड़क ही थोड़ी बहुत वो भी फोड़ के पाइप दबा दी, ये भी दब रहे हैं साथ, और आज तक वो पाइप वहीं दबी हुई है, कोई पानी आया कोई कुछ नहीं आया, किसी तरह की सुविधा नहीं है। तो जो अब से आगे हम किसी को इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो, हम तो ये सोचते हैं कब आगे हम वोट नहीं देंगे। कमी तो हमने सारी लगती है, जो जब खड़ा हुआ तो कान पकड़ जाता है, पीछे बूझ नहीं लेता। किसकी कमी लगती है आपको? कमी इनकी लग रही है, जो सरपंच बनता है, अब तो पार्षद बन रहा है, इनकी कमी लग रही है। आज तक आके देखा बीमारी, वोट तो सब नहीं दिए, बनते तो जनता आते हैं और जनता ही परेशान है, फिर क्या मतलब हुआ, तो वोट ही नहीं देंगे आगे। और हमें एक कमरा नहीं मिला आंगनवाड़ी का। अच्छा। हाँ, हमने अपने आप ने एडजस्ट कर रखा है कमरा बेचिए, और सरपंच ने या मेंबर ने किसी ने पहले भी नहीं दिलाया, पार्षद ने भी नहीं दिलाया हमको। इससे पहले कहाँ था आंगनवाड़ी? पहले दयाराम सरपंच के उस मकान में था, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने आगे से बाउंड्री थी वो फोड़ दी, फिर उसमें पानी भर गया।
अच्छा, क्या प्रक्रिया होती है, कैसा मिलता है सामान, कहाँ से आता है? ये बाल विकास तेजार परियोजना की तरफ से मिलता है हमको। अच्छा, महीने में कितना मिलता है? महीने में मतलब कि जितने हम मतलब बच्चे देते हैं जैसे उसी हिसाब से मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी में सामान लेने आते हैं या आप घर घर पहुँचाते हैं? नहीं, बच्चे लेने आते हैं। तो सर वार्ड 22 में जैसे हम लोगों से सर्वे कर रहे हैं, लोगों को बड़ी समस्या है, सर आपको कितनी समस्या है इस वार्ड में? सफाई तो होती है, काम हो ही रहा है धीरे धीरे, सरकारी काम धीरे ही होता है। अच्छा, मैं आप देख सकते हैं कि जैसे कितनी गंदगी है गली में, तो सफाई का तो नाम नहीं दिखता सर। नहीं, लगता तो है भाई, तो बात गलत है, सफाई नहीं होती। कितना मतलब महीने में कितनी बार आते हैं? महीने में एक बार या दो बार तो आई जाती है, एक बार तो लगभग आई जाती है। अच्छा, तो महीने में एक बार, तो मतलब सप्ताह में दो या तीन बार सफाई होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी दिन में काफ़ी परसेंटेज हो जाती है। दिन में तो खैर काफ़ी कचड़ा निकलता है, लेकिन तो आपको नहीं लगता कि सप्ताह में दो या तीन बार होनी चाहिए सफाई, जो एक महीने में एक बार होती है? महीने में एक बार हो रही है, तो वो तो नगर पालिका में स्टाफ कम है। कहाँ कमी लगती है आपको? पार्षद साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक ही दिक्कत करते हैं भाई, इसमें क्या नाम है, स्टाफ जो है भंगी वगैरह है, सफाई वाले कर्मचारी है। बिजली, पानी, गंदगी। घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम, उठाने आपकी समस्याएं। खास प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 22 में हमारे साथ माताएं ने बात की, बुज़ुर्गों ने बात की, और यहाँ के जो काफ़ी समस्याएं सुनी हमने। यहाँ पे हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, आइए जानते हैं उनको क्या समस्या है। वार्ड 22 में यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, और यहाँ पे गंदगी के कारण छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी बीमार हो रहे हैं, और जो पार्षद वगैरह यहाँ से होके वापस निकल जाते हैं, बस परेशानी सुनते हैं, ये नहीं बोलते, उसका सोल्यूशन नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में कोई चक्कर आता है, सफाई करवाते हैं और फिर दोबारा गंदगी हो जाती है। कोई बस ये है कि वह रेगुलर कोई उसका गंदगी का सोल्यूशन नहीं करता, बस गंदगी होती है तो हफ्ते में कोई चक्कर उठा के कोई गंदगी सफा कर ले जाता है, और उसके बाद महीने दो महीने तक बाद बंद हो जाती है। फिर नालियाँ भी फूट गई हैं यहाँ की काफ़ी सारी, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब थोड़ा बहुत चुनाव के कारण ये राजनीति दल थोड़ा ध्यान दे रहे हैं गांवों में, वोटों के कारण अभी इसके थोड़ी बहुत सफाई दिख रही है आपको, इसके अलावा पहले भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी और अब भी है।
वार्ड 22 में हमारे साथ अगले घर में मौजूद हैं एक माँ जी, उनसे पूछते हैं कि वार्ड 22 में क्या समस्या है उनको। जी माँ जी पकड़ो, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, पानी की भी है, गंदगी की भी है, सबकी खुली लेटरिंग है। अच्छा, कितने टाइम से समस्या है ये? समस्या ही समस्या है, हमने तो बहुत दिन तक आज की ना। अच्छा, तो मतलब आपको चलने में प्रॉब्लम होती है गंदगी की से? चलना में भी हो गया, लिकड़ा सारे दिन को काम में, सड़क पे जाना वाना, मार प्लाट भी सड़क पे ही है। तो आपको नहीं लगता कि गांव वालों को कोई समस्या, इस समस्या के लिए कहीं आगे एप्लीकेशन देनी चाहिए? देनी चाहिए, सब कहनी भी चाहिए। तो आपने कभी एप्लीकेशन दी इस बारे में? कहीं भी ना दी भाई, देने वाला दे भी रहा है खूब, ऐसा भाई खूब दे रहा है, पर कोई कर ही ना रहे, सुनाई नहीं कर रहा कोई। पानी की कैसी समस्या है? पानी कभी आवे कभी ना आवे। वार्ड 22 में हम अगले घर पर हैं और जैसे कि हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं इस घर में, जानते हैं हमारे साथ एक परिवार की एक माँ जी हैं और जानते हैं इनको इस वार्ड में, वार्ड 22 में क्या क्या समस्या है इनको। जी माँ जी, समस्या रास्ता ही ज्यादा है कि ये पानी भरो रहे हर वक्त, गारो हुई हो रहे, नाली निकल जाए, रास्ता बन जाए, बस यही समस्या है। तो ये कितने टाइम से समस्या बनी हुई है पानी की गंदगी की? ये गंदगी 2-3 साल हो गई है। किस वजह से ये गंदगी? ये रास्ता बंद हो रहा है, सब जाम हो रहा है रास्ता, नाली उड़ी आगन बंद हुई पड़ी, सब छाटा ना है तो बेचारा निकाल के ले जाना, ये नाली ऊंडी होनी चाहिए, थोड़ा रोड उठना चाहिए। निकासी कैसी है नालियों में पानी की, गंदे पानी की निकासी? टैंक में पानी आता है, पानी लिकड़ी ना रहे, अगर निकासी नहीं है हाँ। ये भरी रहे हर वक्त, एक पीछा से कचड़ो ज्यादा आवे, जैसे हमने पन्नी की कोट कोट निरी पन्नी आवे, निरी पन्नी आवे, जैसे कोई कचड़ो ना जाए। अभी हमें, हमने जब सर्वे किया गाँव में तो हमें पता लगा की सीवर लाइन डली है लेकिन बहुत छोटी पाइपे डली है उसमें। हाँ, सीवर लाइन की बिल्कुल छोटी छोटी पाइप है, वो कभी पास ना हो सके। और उन्होंने निकासी भी नहीं हुई अभी ना, अभी कोई लेवर चालू ना हुई है। अच्छा, तो अभी दबी हुए तो इस बाबत आपने अगर पार्षद से बात की तो उनका क्या कहना? पार्षद कह रहा मैं सब काम सही करवाऊँ। अच्छा, कह रहे हम तो यही कह रहा हूँ भाई, तू करवा दे मार काम, तो बोल रहा मैं लिकड़वा दूँ, धीरे धीरे काम तेरा सारा करवा दू। अम्मा जी, जो मतलब गांव में जो गंदगी है इनका मेन कारण क्या समझते हैं आप, कि किसकी वजह से ये गंदगी फैली हुई है अभी? प्रशासन, पार्षद या अपने ही गांव के लोग? कुछ गांव वाला भी करें भाई, गांव वाला भी कुछ ज्यादा करें, आप खुद भी, कि किराएदार हैं वे सब कचड़ो वहीं डाल रहे, फिर गांव के वही घर डाल जाओ, घर परिवार की भी सब उसी में डाल जाओ, समस्या ही हुई है। कुछ गांव कर रो, पार्षद सफाई करे, उसने सफाई बहुत करी। तो देखा आपने, वार्ड 22 में हमने पूछा, गांव के लोगों ने बताया कि कितनी समस्याएं हैं वार्ड 22 में, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है गांव की ओर, बड़े अधिकारियों से भी बात की गई, लिखित में ज्ञापन सौंपा गया लेकिन काम नील के बराबर, जैसा कि हर जगह होता है कि गंदगी हर जगह मिलती है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। अगले एपिसोड में हम आपको वार्ड की समस्याएं बताएंगे, उन गांव वार्ड के लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे अगले एपिसोड में। बात हो जन सरोकारों की, बिजली पानी की किल्लत हो, या फिर सड़क और गंदगी की, कौन किससे कितना जूझा, दिखाएंगे भी बताएंगे भी। रस्ते की है, लेकिन लाइट की है, जो गंदा पानी था उसको निकास करना।
चले गए, आते हैं और रोड से जयपुर गोल्डन से इधर नहीं आते हैं। क्या कहती है भिवाड़ी की आवाज? बिजली, पानी, गंदगी। घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम, थाने आपकी समस्याएं। आज प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है